भवानीपुर के बाईपोल इलेक्शंस में उतर चुकी है कैंपेनिंग के लिए खुद ममता बनर्जी। आज भवानीपुर के इकबालपुर इलाके में वो आई, यहाँ पे संबोधित किया, यहाँ के लोगों को, स्थानीयों के साथ बात की, मैसेज दिया कि अगर वो चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है तो वोट जरूर डालें ममता बनर्जी को। और यहाँ पे जो स्थानीय हैं उनसे ही बात करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा है वोट डालने के लिए ये जितना भी बारिश हो, कुछ भी हो, जाना चाहिए, चलो तूफान हो, लेकिन ममता बनर्जी को वोट दिया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी बहुत अच्छी काम करती है हमारी सबके लिए, हर कोई के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए। हमारे यहाँ पे पहले से काम हुआ है, बहुत काम किया है ममता बनर्जी ने, सारे इलाके में काम किया है, और बच्चे लोग के स्कूल के लिए भी काम किया है, हर कोई के लिए काम किया है। अच्छा, ये कहा जाता है कि भवानीपुर इलाके में एक 20% माइनॉरिटी वोट बैंक भी है, तो बीजेपी का दावा है कि मुस्लिम तुष्टिकरण और माइनॉरिटी अपीजमेंट भी कर रही है ममता बनर्जी, इसीलिए यहाँ पे आई है। ममता बनर्जी कभी अपीजमेंट नहीं करती है, ममता बनर्जी को जनता का साथ है, लोगों का साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई है, ऐसा नहीं है कोई एक क्षेत्र एक दल एक जाति को लेकर नहीं, सबको लेकर चलती है, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी आज की हम लोगों की बंगाल की जो सीएम है, माननीय सीएम 2024 में पीएम होंगी, और यही जनता के भरोसे होंगी, किसी जात पात और किसी हिंदू मुस्लिम के सहारे नहीं। एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि महंगाई बढ़ रही है, ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो भी कोलकाता में है, उनसे पूछने के लिए कि महंगाई घटेगी कि नहीं घटेगी, महंगाई से प्रॉब्लम अभी हो रहा है आप लोगों को? बहुत हो रहा है, अभी ममता बनर्जी आएंगे तो जरूर हम लोगों का कुछ न कुछ सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। अभी देखिए जात धर्म बोल के कोई बात नहीं है, टीएमसी है माँ माटी मानूस, दीदी का कहला में माँ माटी मानूस, जात और धर्म के ये सब कुछ नहीं है उनके अंदर में, एक ही बात है माँ माटी मानूस, वो हर एक धर्म को इंसान समझता है, इसीलिए उनका इज्जत करते हैं आने वाले दिन में। एक आखिरी सवाल आप सभी से, आप लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी बाई इलेक्शन जीतेंगी? बाई इलेक्शन जरूर से जरूर जीतेंगी, कम से कम 1.5 लाख वोट से 1.5 लाख वोट जीतेंगी। यहाँ के जो स्थानीय हैं उनका दावा है कि रिकॉर्ड मार्जिन से ममता बनर्जी बाई इलेक्शन जीतेंगी और फिर थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बनेंगी पश्चिम बंगाल की। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक कोलकाता।